गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा चैनल बड़ा कैब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए, खुश भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए। दोस्तों आज अपनी गाड़ी का टायर चेंज कराना था। काफ़ी दिन से विचार कर रहा था मैं कि टायर डलाना है। बहुत ही बेकार टायर हो चुके थे मेरे, 1,25,000 के समथिंग मैंने ड्राइव किए और मैं आज काम कराने आया हूँ मेरी गाड़ी के टायर के लिए। तो आपको दिखा देता हूँ मेरे टायर कौन से मेरे लिए, कितने के पड़े हैं, सारा कुछ बताऊँगा आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने टायर। तो दोस्तों मेरी गाड़ी के टायर दो साइड के उतर चुके हैं और ये हो रहा है मेरी गाड़ी का काम। और मैं आया हूँ सिंहलाल के वहाँ पे, तो वर्कशॉप में काम चल रहा है मेरा। और यहाँ पे जो भी गाड़ी के टायर लिए हैं ब्रिजस्टोन के, काफ़ी ज़्यादा रेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के पास आ जाओ। ये लोकेशन गुरुद्वारा नहीं, बाजूमा छाणी टायर रिटेलर कंपनी है। मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, काफ़ी ज़्यादा सिटी के अंदर मिलते हैं। तो ये शॉप है, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे रेट है, रीजनल रेट है और बाकी सिटी मार्केट से सेम ही पड़ते हैं। कहीं भी 100, 200, 300 का डिफरेंट होता है, जो भी है जैसा भी है वैसा है। तो ये गाड़ी की अपनी की टायर की पैटर्न है, एक व्हील चढ़ चुका है और बाकी के ये टायर है। मेरी गाड़ी का जो साइज है वो 185/65 R15 AA और अनकंडीशन वारंटी के साथ है, 3 ईयर्स और लॉन्ग टायर लाइफ है। आपको सारा कुछ दिख रहा है। ये टायर की जो प्राइस है 6,500 रुपये के आसपास है और 4 टायर की कीमत हो गई, आज तो बर्बाद कर दिया टायर ने। तो भाई यहाँ पे ये जो टायर हो रहा है मेरी गाड़ी का है। और भाई टायर दोस्तों क्या है ना, जिंदगी के साथ चलने वाली एक चीज है। जब तक गाड़ी में ये चीज ना हो, और ये हमारे 2 टायर बनके रेडी हो चुके हैं और अभी बचे हैं 2 टायर। दोस्तों ये वाला जो टायर था मेरी इटियोस जो गाड़ी थी उसका मैंने निकाला था, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है उसका मैंने निकाला था पानी। ये 1 इंच नहीं, 4 से 5 इंच छोटा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज कर रहा था टायर, कहीं रास्ते में फट नहीं जाए। और टायर की क्या कंडीशन हो चुकी है देख लेना, बिल्कुल स्लिम ख़त्म हो गया है। और मेरा जो काम है ना, ज़्यादातर आप सब जानते ही हो, हाईवे है, हाईवे पे जोखिम लेना बहुत ही ईजीली है। क्योंकि ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका लेवल हो चुका है, थोड़ी सी कहीं सी स्किप है, बाकी ख़त्म है। तो मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था टायर डालने के लिए। तो दोस्तों मैंने जो टायर लिया है ब्रिजस्टोन के, नई कॉयल नई पैटर्न है कोई सी, अभी जो V250 ऐसा कुछ नाम है कंपनी का, अपन है ब्रिजस्टोन के। जो V290 टायर आता था उसकी जगह मैंने वो टायर लिया है। V290 बोले अभी आया नहीं है, टाइम लगेगा आने में। एक नई पैटर्न आई हुई है, काफ़ी अच्छी है, सारी कुछ वारंटी अनकंडीशनल वारंटी है, 3 साल के अंदर कुछ भी लगता है सारा कुछ। तो दोस्तों अपने नए टायर फिट हो चुके हैं, स्टार्ट अप नंबर ये इधर।
तो वो जो टायर की पैटर्न है ये है, काफी ज्यादा ग्रिट है और तो दोस्तों गाड़ी के चारों टायर फिट हो चुके हैं, फिटिंग हो गई और अभी जाएगी अलाइनमेंट के लिए। तो हमारी गाड़ी भाई लेके जा रहा है अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के लिए। तो क्या क्या बात करनी है भाई, गाड़ी जा रही है, नई गाड़ी में नए टायर हो गए, गाड़ी जा रही है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के लिए। तो देखते हैं अभी कितने देर में वापस आ जाएगी। बाजू में है वर्कशॉप और गाड़ी का आज खर्चा वर्चा बहुत हो गया, आज गाड़ी में काम हो जाएगा तंगड़ा। तो ये वाले मैंने टायर निकाल के रख दिए मेरे वर्कशॉप पे, ये चार के चारों टायर। और ये टायर देखो मेरा अब ब्लास्ट होने वाला था, अभी दिखा मुझे देखो। तो अच्छा हुआ ना, इससे पहले मैंने निकाल के इसको चेंज करा लिए सारे के सारे। और अभी चारों टायर मस्त हो गए, मेरी गाड़ी के टॉप बन गए। दोस्तों ये मेरा वर्कशॉप है और यहाँ पे गाड़ियों का मेरा काम होता है, मेरा भाई चला था यहाँ पे और अच्छी खासी सब गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं टोटली। तो आपको दिखा दूँ यहाँ पे अंदर वर्कशॉप, ये जो बंगार पड़ी है ना मेरी, ये जो सामने गाड़ी पड़ी हुई ना, ये मेरी ETO से पुरानी वाली, ये जो पड़ी है ना साथ में, तो ये गाड़ी पूरी फुल डैमेज हो गई है मेरी पुरानी गाड़ी, किसी को दी थी मांगने में। तो भाई मेरा कर रहा है काम, ये मेरा भाई है और फॉक्सवैगन का काम हो रहा है और ये बना रहा है कलर। आज टायर वायर सब हो गए, क्लियर ही हो गए गाड़ी पे। तो दोस्तों मैंने चारों टायर अपनी गाड़ी के चेंज करा लिए, काफी कॉस्टली पड़े, पन ब्रिजस्टोन की जो नई डिजाइन आई थी B250 और B290 का मैं डलाने वाला था या फिर B390, पन वो थे नहीं, अवेलेबल में नहीं थे। तो मुझे बोले कि ये नया स्टॉक आया है और अभी अभी पैटर्न, क्योंकि पहले मैंने कभी देखी नहीं थी, नया ही था और उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने आपको दिखाई वो सारा कुछ। और उसकी जो, क्योंकि अनकंडीशनल जो वारंटी होती है ना, यानी कि कुछ भी हो जाए आपका टायर चेंज हो जाएगा, टायर फट जाए या फिर कट लग जाए, कुछ भी हो, मतलब टायर के अंदर है ना 3 साल के अंदर कुछ भी हो रहा आपका होता है ना, ज़्यादा पंचर भी होते हैं तो भी आपका टायर चेंजेस हो जाएगा। खाली वो जो कटिंग होती है, कोस्ट कटिंग होती है ना, वो जो टायर घिस जाते हैं उसकी जो भी चार्जेस आते हैं वो खाली पेड करना, उसके ऊपर आपको टायर नया मिल जाएगा। ब्रिजस्टोन की ये अनकंडीशनल जो वारंटी होती है, अनकंडीशनल यानी कि कोई भी कंडीशन आपको अप्लाई नहीं करनी है, और अनकंडीशनल की जो वारंटी होती है ना उसके चीज़ ही कुछ और होती है। अगर उसके अंदर कुछ भी आपका होता है ना, सारा कुछ पेपर के अंदर मुझे बिल के अंदर सबमिट करके दे दिया है, सारा कुछ टाइपिंग के साथ ही है और उसमें लिखे लाइए। काफ़ी सारे क्या मुँह से बोल देते हैं कि भाई आपका ये वारंटी है वो वारंटी है, पर जब आप चीज़ चीज़ को चेंज कराने जाएंगे तो वो उसकी वारंटी अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रिजस्टोन के अंदर, जो अभी अभी नई मैंने आपको बोर्ड में भी दिखाया था अनकंडीशनल वारंटी। तो अनकंडीशनल की वारंटी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा होता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छी लगी। तो इसके लिए मेरे को क्या है ना, कोई भी दूसरा भी टायर डालने जा रहा हूँ तो करीब मुझे टायर नॉर्मली 4,500 के ऊपर ही आ रहे हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल टायर जो होते हैं जो मेरी गाड़ी में ऑलरेडी आए थे, उनकी कीमत 4,700-800 के आसपास आती है, 5,000 के आसपास आ रही है। तो मैं सोचा 1,200-1,500 रुपये ज़्यादा जाएंगे, बट टायर की जो क्वालिटी आनी थी वो मुझे चाहिए, और वो तो चलो मुझे कंपनी ने दी थी, मेरी वैसे भी चॉइस ही है, मेरी जो चॉइस है वो मुझे कम्प्लीटली चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा चले जाए चलेगा, लेकिन मेरा काम क्या है ना हाईवे पे है। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी और बहुत अच्छी किस्मत थी, आप सबका मेरे ऊपर प्यार था, ये दुआएं थी आपकी, और टायर मेरा है ना अगर कुछ दिन और चेंज नहीं करा था तो कहीं ना कहीं मुझे वो ब्लास्ट होने ही वाला था, मतलब फटने वाला ही था। तो जो अगर टायर फट जाता तो उसमें का आप जानते ही है, 1-2 घंटे उसको टायर रिप्लेसमेंट चाली गाड़ी में कहीं फट जाए, वो टायर किस जगह था उसका भी मैंने अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि जो वो टायर निकला वो आगे के टायर आगे की साइड में था क्या फिर बैक साइड के में था, फ्रंट में था क्या पीछे था, तो उस चीज़ का मैंने अंदाज़ा नहीं लगा पाया। पर वो चीज़ मैंने देखी तो मेरे माइंड के अंदर मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया, मैं बोला चलो अच्छा है आसिफ
आज अपनी किस्मत अच्छी थी जो अपनों ने टायर चेंज करा लिए। तो ये चीजें होती हैं, टायर क्या है वो अंदर की साइड होगा तो कभी नजर में नहीं आया, और वो बट वो अंदर की साइड था, बाहर की साइड होता तो कभी ना कभी नजर में आता। इसके लिए वो चीज अंदर से जो अंदर से थी, और वो मुझे लगा वो लेफ्ट साइड का ही टायर था, क्योंकि उसके अंदर है ना हमेशा एयर हो ना थोड़ी सी कम होती थी वीकली के अंदर, और मैं हमेशा उसको एक हर हमेशा उसको फुल कर रहा था एयर, हर वीकली के अंदर चेंज चेक कर रहा था। तो मुझे अंदाजा लग रहा है शायद वो लेफ्ट साइड का आगे की फ्रंट की साइड, लेफ्ट साइड जो कस्टमर साइड होती है उस पे वो टायर था। तो ये चीज मुझे बहुत ही टेंशन कर गई जब मैंने वो चीज देखी। तो बट मैंने जब कहाँ देखी, मैंने अपने वर्कशॉप पे उसको जब मैंने टायर निकाल के रखे, टायर मेरे जो थे वो मैं अपने वर्कशॉप पे रख दिए, क्योंकि वर्कशॉप है ना तो कलर वलर मारने के लिए कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर वो काम कर सके। मेरे भाई ने भी बोल दिया था टायर चेंज कराओ तो उनको मत देखे आना, वापस ले आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो वर्कशॉप था, मैंने जो ईटीओस दिखाई थी वो पूरी फ्रैक्चर हो गई है, पूरी खत्म हो गई है। वही मैं ईटीओस पहले चलाता था, और उससे पहले तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो गाड़ी फुल डैमेज हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। वो गाड़ी को मनाने जाएंगे तो जितने की गाड़ी नहीं है उससे ज्यादा उसका खर्चा था, इसके लिए वो भंगार में का स्क्रैप में चली जाएगी। तो उसका जो क्लेम है उसका वो चल रहा है अभी तक, काफी 5 से 6 महीने जैसे हो गए। तो ये चीजें थी। तो आज जो अपना जो कार टायर का जो खर्चा वर्चा था सारा कुछ कर दिया, 25,200 रुपये का जो खर्चा था। हाँ, की कीमत तो काफी ज्यादा लगा रहे थे, और जो क्रेडिट कार्ड का मैंने पेमेंट किया, मैं तो हमेशा जानते ही हो आप, जो भी पेमेंट करता हूँ वो कैश वेस बहुत ही कम करता हूँ, जो भी करता हूँ क्रेडिट कार्ड से। तो ये चीज़ है ना, वो 2% क्रेडिट कार्ड का चार्जेस लगा रहे थे। तो मैं बोला ठीक है आपके पास नहीं कराएंगे, हम जा रहे हैं सिटी के अंदर। सिटी के अंदर क्या है ना, काफ़ी सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप है, तो एक दूसरे में कॉम्पिटिशन रहता है। कॉम्पिटिशन क्या रहता है, हमने सभी जगह कॉल करके पूछ लिया था, सभी जगह रेट यही आ रहा था। तो बोले 6,200 या 6,300 या 6,250, और उसी में हमको रेट पड़ा। एक गाड़ी एक हमको पड़ा करीब 6,300 के आसपास, एक टायर की कीमत हमें पड़ी है। तो इतना ही प्राइस आ रहा था सब जगह। हमने कुछ नंबर्स निकाले थे जस्ट डायल से, उसके ऊपर कॉल किए थे काफ़ी सारे लोगों को, तो सबका जो कॉस्ट आ रही थी वही आ रही थी। पर जो मेरा प्लानिंग था वो V290 या फिर V390 का था, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी सारे डीलर बोल रहे थे क्योंकि स्टॉक नया चाहिए सभी को, पुराना जो स्टॉक है वो कोई लेता नहीं है, आप सब जानते ही हो। तो ये चीज़ हमने नई मंगाई है, और अभी ये जो गवर्नमेंट की अप्रूवल के हिसाब से जो चीज़ आ रही है वो चीज़ है। पर मुझे टायर की जो डिज़ाइन है और जो टायर की गैप है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मेरे साथ में मेरे दोस्त भी थे, कोई वीडियो में आया नहीं, तो बोलते हम अपनी वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो सब नहीं आए। उनको भी पसंद बहुत अच्छा टायर लगा, बोला आप कहीं भी डलाने जाएंगे कहीं भी लेने जाएंगे तो हमको यही मिलने वाला है, और ये टायर अच्छा है ले लो आसिफ। तो आसिफ भाई, हम आसिफ भाई ने ये टायर डला लिया है आज। तो टायर वायर क्या है ना, 25,200 रुपये का समथिंग खर्चा हो गया आज, और इसके अगले महीने का जो हमारा EMI वो है ना इंश्योरेंस आ रहा है वो भी इतना ही आएगा, 2700 से 2800 गया उसका इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी। तो ये महीने में ये काम हो गया, अगले महीने में वो कर लेंगे, मार्च के महीने में डाउन हो जाएगा, और फिर जब वेकेशन चालू हो जाएगा फिर अपनी लाइन हो जाएगी चालू। तो इससे पहले मैंने सारा कुछ काम कर लिया है, और टायर वायर सब कुछ हो गया है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।